सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे और आगे भी ऐसे ही बढ़िया रहे। तो गाइस, यहाँ पर आपने थंबनेल देखा होगा तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर लाइट हो ही गई होगी कि आज की वीडियो यहाँ पर कौन से टॉपिक पर होने वाली है। सो गाइस, यहाँ पर आज की वीडियो है, यहाँ पर होने वाली है 2017 के जो यहाँ पर ओल्ड प्लेयर थे उसके यहाँ पर आईडी इंसेक करेंगे 2021 में। मतलब कि यहाँ पर मैंने 2017 के यहाँ पर स्ट्रीम में से कुछ यहाँ पर आईडी फाइंड किए, वो यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि क्या उसके पास यहाँ पर रेयर रेयर बंडल है, जो यहाँ पर हिप हॉप बंडल, सकुरा बंडल, रेड क्रिमिनल, वैसे यहाँ पर जो अच्छे अच्छे डिमांडिंग रेयर बंडल है क्या अभी भी उसके पास ये बंडल है, और क्या तब उसने परचेस किया था या फिर ऐसे यहाँ पर मजे के लिए खेल रहे थे। अब गाइस वो क्या है वो तो यहाँ पर हमें 2021 में ही पता चलेगा। अब यहाँ पर आईडी इंसेक करके यहाँ पर आपको दिखाएंगे, और गाइस जो लास्ट में यहाँ पर दो आईडी है ना वो गाइस बहुत ही ज्यादा रेयर है, बिकॉज यहाँ पर 2017 में भी वो रेयर थी, बिकॉज यहाँ पर हमारे नजरिए से देखे तो वो यहाँ पर रेयर थी और अभी के लिए भी वो रेयर ही है। तो अब यहाँ पर वो कौन सी आईडी होगी और उस प्लेयर का नेम क्या है वो यहाँ पर हम आगे बताएंगे वीडियो में। आई होप कि आपकी वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा, तो वीडियो पसंद है लाइक कर देना और चैनल पर हो तो सब्सक्राइब मार देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज ये जो आईडी है वो यहाँ पर मैंने फाइंड किया ज्ञान भाई की स्ट्रीम से। ज्ञान भाई की यहाँ पर 2017 की जो स्ट्रीम थी उसमें से यहाँ पर मैंने फाइंड किया। ज्ञान भाई को भी यहाँ पर फिलहाल मोस्टर ट्रक से उड़ा दिया है और उसकी पूरी टीम को यहाँ पर ये मोस्टर ट्रक उड़ा देता है। बाद में यहाँ पर जो यहाँ पर ट्रक से उड़ाया ज्ञान भाई की टीम को उसकी आईडी में यहाँ पर हम पहली आईडी यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको सर्च करके देखते हैं। सो गाइज हमारी इस वीडियो की फर्स्ट आईडी यहाँ पर आप देख सकते हो, इस आईडी को यहाँ पर 2021 में यहाँ पर चेक करके और देखते हैं कि ये प्लेयर अभी फिलहाल मौजूद है, फ्री फायर खेल रहा है या फिर नहीं। अब गाइज यहाँ पर जिस टीम ने यहाँ पर 2017 में ज्ञान भाई की टीम को एलिमिनेट करवाया था उसी टीम की यहाँ पर हम आईडी चेक करके देखेंगे, और 2017 में जो प्लेयर थे वो 2021 में कैसे यहाँ पर उसकी एंड गेम प्रोफाइल है, कैसे यहाँ पर वो प्लेयर है वो यहाँ पर हम आपको इंसेक करके दिखाएंगे। तो फर्स्ट प्लेयर की यूआईडी हमने यहाँ पर पेस्ट कर दी है, चेक करते हैं उस प्लेयर को। यहाँ पर वो प्लेयर यहाँ पर 30 डेज अगो यहाँ पर हमें एक्टिव दिख रहा है, मतलब कि फ्री फायर को यह बंदा कम खेल रहा है। इसकी आईडी इंसेक करके देखते कि अंदर की ओर हमें क्या दिखने को मिलता है। इंसेक करते तो यहाँ पर ये इलाइट पास हमें दिखने को मिलता है। ये इलाइट पास कौन सी सीजन का है आई डोंट नो, बट गाइस इस बंदे ने एक ही इलाइट पास यहाँ पर परचेस किया हुआ था वो यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर टॉप 5 मतलब कि यहाँ पर 53 बेस है, तब तक यहाँ पर ये बंदा सही से फ्री फायर खेल रहा था। बाद में यहाँ पर इसने फ्री फायर को कम खेलना स्टार्ट कर दिया था, मतलब कि यहाँ पर ज्यादा ये फ्री फायर नहीं खेलता है। अभी इसका लेवल 61 यहाँ पर आप देख सकते हो, और उसके यहाँ पर ओवरव्यू देखे तो लाइफ टाइम की यहाँ पर केडी देखते हैं, नजर करते हैं तो लाइफ टाइम की केडी स्कोर में 5.36 की, हेडशॉट रेट कितना है 90.52 का। तो गाइस ये जो फर्स्ट प्लेयर है उसकी यहाँ पर कुछ यहाँ पर यूआईडी और यहाँ पर जो प्लेयर की प्रोफाइल है वो यहाँ पर कुछ ऐसी थी, जिस यहाँ पर बंदे ने 2017 में ज्ञान भाई की यहाँ पर जो टीम थी उसको एलिमिनेट करवाया था मोस्टर ट्रक से। इसके बाद जो यहाँ पर सेकंड प्लेयर की यहाँ पर यूआईडी है वो यहाँ पर हमारे स्क्रीन पर देख सकते हो, इसके भी यहाँ पर हम इंसेक करके देखते फ्री फायर गेम में यहाँ पर एंटर होकर देखते कि ये प्लेयर की यहाँ पर प्रोफाइल 2021 में कैसी है। अब गाइस सेकंड प्लेयर है उसकी आईडी यहाँ पर हमने इन गेम यहाँ पर पेस्ट कर दी है, चेक करते इस प्लेयर को 2017 में जो ज्ञान भाई की टीम को एलिमिनेट करवाया था अभी 2021 में उसकी स्टेटस क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी ये बंदा 30 डेज अगो यहाँ पर एक्टिव दिखा रहा है, मतलब कि इस बंदे ने भी यहाँ पर फ्री फायर को कम खेलना स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ पर इसका नेम है Sign09, अभी 2021 में इसका Sign09 है, तब यहाँ पर कुछ अलग से नेम था। इसकी यहाँ पर प्रोफाइल इंसेक करके देखते तो यहाँ पर ये बंडल आपको दिखने को मिल रही है, मतलब कि ये बंदा अभी यहाँ पर खेल रहा था बट पिछले यहाँ पर कुछ टाइम से खेल नहीं रहा है। इसकी इलाइट पास यहाँ पर देखे तो यहाँ पर इलाइट पास हिस्ट्री में यहाँ पर एक इलाइट पास इसने परचेस किया हुआ था, बट उसमें यहाँ पर बैच कंप्लीट नहीं किए थे जिसकी वजह से उसको बंडल नहीं मिला था। और कैसे यहाँ पर पिछली दो सीजन से ये बंदा बहुत ही ज़्यादा कम एक्टिवेट हो गया है, मतलब कि यहाँ पर फ्री फायर को खेल नहीं रहा है, इसलिए कैसे यहाँ पर ये आईडी अभी यहाँ पर एक्टिव नहीं है। बट इसकी ओवरव्यू हम यहाँ पर देखे तो यहाँ पर ओवरव्यू में लाइफ टाइम की केडी देखते तो लाइफ टाइम की केडी यहाँ पर 4.45 की है, हेडशॉट रेट यहाँ पर 25.5 की है। अब यहाँ पर सीएस करियर देखते हैं सीएस करियर कैसा है, तो सीएस करियर यहाँ पर कुछ गेम खेली है, ज्यादा गेम इसने खेली नहीं है, मतलब यहाँ पर ये प्लेयर भी यहाँ पर इनएक्टिवेटेड है फ्री फायर में। अब गाइस ये जो थर्ड प्लेयर है ना उसकी यहाँ पर प्रोफाइल 2021 में बहुत ही अच्छी है गाइस, यहाँ पर तब यहाँ पर 2017 में मोनू शर्मा यहाँ पर नेम रखा था, अब यहाँ पर नेम भी कुछ अलग है बट यहाँ पर उसकी प्रोफाइल देखोगे ना तो यहाँ पर फैन हो जाओगे, बहुत ही अच्छी प्रोफाइल है और बहुत ही अच्छा ये बंदा गेम प्ले कर रहा है। तो यहाँ पर उसकी आईडी में यहाँ पर इंसेक करके दिखाते आपको कि वो यहाँ पर 2021 में कैसा प्लेयर है। सो गाइस यहाँ पर इन गेम यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया आईडी को, यहाँ पर आईडी को पेस्ट करने के बाद यहाँ पर चेक करते हैं तो यहाँ पर गाइस अभी यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 28 मिनट अगो यहाँ पर इस बंदे यहाँ पर अभी ऑफलाइन हुआ है आधे घंटे पहले। अब यहाँ पर उसकी आईडी इंसेक करके यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि कैसी आईडी है। यहाँ पर आप देख सकते हो गाइज इसकी आईडी में यहाँ पर कैसा बंडल यहाँ पर लगा हुआ है भाई। इसके पहले यहाँ पर मैंने चेक की थी ना तो यहाँ पर इसने पर्पल वाली जो यहाँ पर क्रिमिनल बंडल है ना वो यहाँ पर लगाई हुई थी, बट अभी यहाँ पर इसने यहाँ पर जो अपनी कॉस्ट्यूम है वो यहाँ पर चेंज कर दी है, बट तो भी यहाँ पर देखो कैसी यहाँ पर उसकी कॉस्ट्यूम यहाँ पर उसने सेट की हुई है। तब यहाँ पर मोनू शर्मा नेम था, अभी कुछ यहाँ पर कुछ अलग से यहाँ पर नेम रखा हुआ है। अभी की लेवल यहाँ पर 71 है, उसकी लाइक भी बहुत ही अच्छी है। अभी यहाँ पर उसकी इलाइट पास हिस्ट्री देखे ना गाइस, तो यहाँ पर इलाइट पास हिस्ट्री में यहाँ पर 4 इलाइट पास यहाँ पर इसने परचेस किए हुए, वैसे यहाँ पर शो कर रहा है बट गाइस
गाइज यहाँ पर ये गरेना का कुछ यहाँ पर ग्लिच हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर इसके पास अच्छे अच्छे यहाँ पर बंडल है। सीजन 1 का यहाँ पर हीरोइक का टी शर्ट है भाई, समझ रहे हो ना कैसा प्लेयर होगा, मतलब कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्लेयर है। अभी यहाँ पर बहुत ही यहाँ पर अच्छे गेम प्ले कर रहा है, यहाँ पर देखो लगातार यहाँ पर गेम प्ले कर रहा है। उसकी यहाँ पर हम गेम प्ले देखते तो यहाँ पर ओवर व्यू में हम चेक करते उसकी केडी, तो यहाँ पर ओवर व्यू में हम केडी चेक करते तो उसकी केडी ओवर व्यू में यहाँ पर 4.98 की है और हेडशॉट रेट यहाँ पर 23 का है। उसके अलावा यहाँ पर रैंक में यहाँ पर चेक करते हैं तो रैंक में यहाँ पर स्कोर केडी इसकी यहाँ पर भाई देख रहे हो ना भाई कितनी केडी है, 11.18 की। गाइज यहाँ पर रैंक में केडी इस सीजन की 11.18 की है और हेडशॉट रेट यहाँ पर 26 का है, मतलब कि यहाँ पर आप सोच लो कैसा प्लेयर है गाइज, बहुत ही तगड़ा प्लेयर है और बहुत ही तगड़ी इसने अपनी प्रोफाइल अभी भी यहाँ पर 2021 में बना के रखी हुई है। अब गाइज यहाँ पर आप ही बताओ कि यहाँ पर ये प्लेयर कैसा है, बिकॉज यहाँ पर मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा। इसमें यहाँ पर बहुत ही अच्छे यहाँ पर रेयर बंडल भी है, बट यहाँ पर इसने चेंजेस कर दिए, बट यहाँ पर सीजन 1 की हीरोइक की टी शर्ट है, तो यहाँ पर आप समझ ही सकते हो कि कैसा प्लेयर होगा। सो गाइज आज के हमारी जो इंसेक्ट प्रोफाइल वाली जो ये वीडियो थी यहाँ पर इतनी है, यहाँ पर ज्यादा बनाऊंगा तो ज्यादा टाइम हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर शॉर्ट में बना रहा हूँ। अगर आपको ऐसी वीडियो यहाँ पर आगे भी देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब मार दो, ऐसी वीडियो यहाँ पर आगे अपलोड करूंगा। कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बता देना कि आप आगे भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हो, तो जल्दी से यहाँ पर सेकंड पार्ट भी इसका लेके आ जाऊंगा। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, अपने फ्रेंड को शेयर कर देना जिससे वो भी यहाँ पर इसको भी ऐसी वीडियो पसंद है, यहाँ पर वो भी यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर देख पाए। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।